है, अगर आप देखेंगे ड्रोन उड़ रहे होते हैं, कैप्चर कर रहे होते हैं हर एक चीज़ को, सेंसर लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट स्नीकोमीटर जो है क्रिकेट में यूज़ करा जाता है ताकि पता लगाया जा सके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। सो गाइज, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ कि जितनी भी वीडियो है वो न्यू सेशन के अकॉर्डिंग होंगी, यानी कि 2024 और 25 को कवर करके बनाई गई हैं। इस वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे और जल्दी से आपके सिलेबस को कवर करेंगे, और जितने भी टॉपिक्स एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट होंगी और आप काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट एम ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स, करियर ऑप्शंस, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। सो ये सारे टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, ये जो आउटलेट है ये मैंने आपका लिया है आपकी ओरिजिनल CBSE की साइट से। ये आपके सिलेबस का पेज है जिसमें आपको बता रखा है कि यूनिट 1 में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ये मैंने आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी बता दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि हम इसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। आगे मूव करते हैं। सो गाइज, पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो यहाँ पर ना बहुत ज़रूरी है फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानना कि फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। सो यहाँ पर क्लियर शब्दों में अगर मैं बताऊँ, अगर एक बच्चा फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है, उसी के साथ साथ उसका कंट्रोल है अपने इमोशंस पे, तो हम उसे बोलेंगे कि वो फिजिकली फिट है, वो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू अपने आप को डेवलप कर रहा है। सो फिजिकल एजुकेशन जो है वो एजुकेशन का ही पार्ट है। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का एम है मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट। एक बच्चे को फिजिकली फिट बनाना, मेंटली फिट बनाना, इमोशनली बेहतरीन बना देना। आगे दे रखा है ऑल्सो टू डेवलप इन हिम पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़, उसी के साथ साथ उसके अंदर सोशल क्वालिटीज़ को डेवलप करना। विच मीन्स कि अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो फिजिकली फिट होगा, लाइक उसका हर एक ऑर्गन अच्छे से वर्क कर रहा होगा, उसकी हाइट नॉर्मल होगी, उसका वेट परफेक्ट होगा। मेंटली मतलब जब एक बच्चा खेलता है तो उसका माइंड जो है वो यूज़ हो रहा होता है कि कहाँ पर बॉल मारनी है, ठीक है, किस डायरेक्शन से मुझे क्या करना चाहिए, रन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्पोर्ट्स में मेंटली एक्टिविटीज़ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आगे इमोशनली फिट मतलब अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बॉलर ने बॉल मार दी, उसके फेस पे लग गई, वो गुस्से में आ गया और उसने बिल्कुल मारम पिट्टी शुरू कर दी है। सो इमोशनली फिट होना चाहिए बच्चा, अपने एंगर्स पे कंट्रोल होना चाहिए। उसी के साथ साथ जब एक बच्चा फिजिकली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है, तो वो फ्रेंड्स बनाता है। तो फ्रेंड बनाना मीन्स सोशल क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करता है, विच विल हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली विद अदर्स एंड बिल्ड हिम अ गुड सिटीजन, जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ अच्छे से रह पाता है और एक अच्छा नागरिक कहलाता है। तो गाइज, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की, यानी कि जो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो भी सिस्टम आपकी बॉडी में है अगर वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, विच मीन्स जो आपका दिल है वो अच्छे से धड़क रहा है, किडनी जो है वो अच्छे से फिल्टर कर रही है, सारे ऑर्गन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, आपकी बॉडी की परफेक्ट शेप है, साइज है, तो हम बोलेंगे कि आप फिजिकली फिट हैं। सो गाइज, नेक्स्ट आ चुका है आपका मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट आपके ब्रेन से रिलेटेड है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी से रिलेटेड है, विच मीन्स आप कितनी कैलकुलेटिव मूवमेंट करते हैं, किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, ये सब आपका कैलकुलेट करा जाता है मेंटल डेवलपमेंट में। सिर्फ आप फिजिकली फिट हैं, आपके डोले शोले बने हुए हैं, आप गेम नहीं जीत सकते हैं, आपका दिमाग का विकास होना भी उतना ही ज़रूरी है। सो मेंटल डेवलपमेंट में आपकी अलर्टनेस, आपकी कंसंट्रेशन और आपकी कैलकुलेटिव मूवमेंट को चेक करा जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ चेस का, तो चेस में जब हम खेल रहे होते हैं तो आमने सामने दोनों प्लेयर्स होते हैं, राइट, वो मेंटली कैलकुलेटिव मूवमेंट कर रहे होते हैं अपने आप को जिताने के लिए। उसी तरीके से अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से बॉल आ रही है, कहाँ पर मारनी है, किस बॉल पर रन लेना है, किस पे नहीं लेना है,
तो यहाँ हर एक एक्टिविटी में आपका ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट हमें सोशली एडजस्ट होना सिखाता है, यानी कि समाज के साथ हमें कैसे एडजस्ट होना है, किस तरीके से दोस्त बनाने हैं, किस तरीके से सोसाइटी में रह के बिहेव करना है, ये सब हमारा डेवलप होता है सोशल डेवलपमेंट में। जब एक प्लेयर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उससे ये उम्मीद करी जाती है कि वो जो है स्पोर्ट्समैनशिप को निभाते हुए अपने फ्रेंड्स बनाएगा, सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखेगा। अगर किसी प्लेयर की चोट लग चुकी है तो वो वहाँ पर जाके उससे पूछ रहा है, ये नहीं कि उसके साथ मीन हो रहा है। सोशली डेवलपमेंट बेसिकली मतलब यही है कि जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं और उनके साथ आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब होता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अपनी एक्साइटमेंट पे कंट्रोल रखना है, अपनी हैप्पीनेस पे कंट्रोल रखना है। आपको अच्छे से डिसीजन लेनी है जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो लाइक बैठे हुए हैं ऑडियंस में और आपको देख रहे हैं, और आप उनको देख के ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं परफॉर्म कर पाते हो। सो ये सब चीज़ें ना आपको डेवलप करनी सिखाई जाएंगी फिजिकल एडुकेशन में, कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल ला सकते हैं और इन सब चीज़ों से जो है वो दूर हट सकते हैं। तो लाइक आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, कई लोग जो होते हैं स्पोर्ट्स खेलने से पहले जब जा रहे होते हैं तो क्या होता है, फ़ोन आ जाता है घर से कि ऐसा ऐसा हो गया है, फिर भी वो इंसान वहाँ पर जाके इतना अच्छा परफॉर्म करता है। अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी दुर्घटना घट गई हो, लेकिन अगर आप उस चीज़ को टैकल कर पा रहे हैं और फिर जाके स्पोर्ट्स में बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्म कर पा रहे हैं ना, विच मीन्स आपका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है। सो गाइज नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। सो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ में इतना ही दे रखा है कि आपको ना एज अ स्पोर्ट पर्सन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया तो उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस लाए गए। 1948 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी को इस्टेब्लिश करा था जिसका नाम था सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी, जिसका एक और नाम है ताराचंद कमेटी। सो 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने एडवाइस करा कि जितने भी स्कूल्स हैं मिडिल एलिमेंट्री सीनियर लेवल पे, उनके लिए फिजिकल एजुकेशन जो है वो कंपलसरी लेवल पे एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स को करवाया गया जो कि न्यू दिल्ली में हुए थे। उसी के साथ साथ जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, उन्होंने जो है कोचिंग स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करा गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पोर्ट्स है वो कंसीडर करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। गाइस नेक्स्ट टॉपिक चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ना आप जिस तरीके से पहले स्पोर्ट्स खेलते थे ना, अब जो खेला जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुका है। बिकॉज जिस तरीके से पुराने रूल्स होते थे अब के रूल्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। उसी के साथ साथ जिस तरीके के गियर्स आपको पहले दिए जाते थे और अब दिए जाते हैं जो आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होते हैं। सो यहाँ पर ये दे रखा है कि आर्टिफिशियल फील्ड जो है जो इजीली फटता नहीं है, नुकसान नहीं होता है उसको, उसको इंट्रोड्यूस करा गया है स्पोर्ट्स में। न्यू सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाए गए हैं, प्लेयर्स को हेलमेट दिया गया है, राइट। उसी के साथ साथ उनकी प्रोटेक्शंस के लिए उनको जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पहनाया जाता है। टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट जो है चेंज आया है। अगर आप देखेंगे ड्रोन उड़ रहे होते हैं, कैप्चर कर रहे होते हैं हर एक चीज़ को, सेंसर लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट स्नीकोमीटर जो है क्रिकेट में यूज़ करा जाता है ताकि पता लगाया जा सके। सो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए हमें मिले हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक चेंजिंग ट्रेंड इन प्लेइंग सर्फेसेस। सो यहाँ पर पता क्या बता रखा है कि आपके ना प्लेइंग सर्फेस में ना बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले आपको जो है मिट्टी पे या फिर ग्रास पे खेलने के लिए दे दिया जाता था, अब आपको जो है आर्टिफिशियल ग्रास आपके लिए बनाई गई है जहाँ पर जो है प्लेयर्स को बहुत कम चोट लगती है, वहाँ पर जो है फ्रिक्शन फैक्टर सही होता है, एथलीट के अकॉर्डिंग होता है, और वहाँ पर कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप एथलीट को बचा सकते हो चोट लगने से और उसी के साथ साथ जो है उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब कौन कौन से प्लेइंग सर्फेसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पॉलीमेरिक रबर, पीवीसी, वुडन सर्फेस, कॉन्क्रीट, नेचुरल टर्फ, आर्टिफिशियल टर्फ। तो ये सारे जो है सर्फेसेस प्लेइंग सर्फेसेस के पार्ट हैं। तो गाइज लास्ट पॉइंट है आपका कि प्लेइंग सर्फेसेस का इस्तेमाल यानी कि आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल आपका ओलंपिक लेवल पे हो चुका है। कब हुआ था, 1976 जब हॉकी का गेम आयोजित कराया जा रहा था, तब पहली बार जो है आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल आपका ओलंपिक लेवल पे हुआ था।